हेलो इंजीनियर्स, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ सिविल गुरुजी। द सिविल इंजीनियर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। मैं इंजीनियर शुभम नागपुरे, डिजाइन इंजीनियर एंड कॉर्पोरेट ट्रेनर, और आप सभी के लिए सिविल गुरुजी। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि अगर आपको रजिस्टर वैल्यूअर बनना है तो आपको 3 स्टेजेस क्लियर करने होंगे। करना है खास तो चलो हमारे साथ, करना है खास तो चलो हमारे साथ, सिविल की बात गुरुजी के साथ। तो दोस्तों, रजिस्टर वैल्यूअर बनने के लिए सबसे पहला स्टेज होता है, वो है सबसे पहले आपको मेंबरशिप लेनी होगी या फिर जो रजिस्टर वैल्यूअर ऑर्गेनाइजेशन है वहां से आपको ट्रेनिंग लेनी होगी। ठीक है, तो ये रही है आपकी सबसे पहली स्टेज। जो दूसरी स्टेज है वो है एग्जामिनेशन स्टेज। जो आपकी एग्जामिनेशन स्टेज रहेगी वो रहेगी आपकी IBBI के थ्रू। तो IBBI का एनरोलमेंट और एग्जामिनेशन, तो ये रही आपकी सेकंड स्टेज। और जो फाइनल स्टेज है वो है IBBI पर आपका रजिस्ट्रेशन या फिर आपका एप्लीकेशन फॉर द रजिस्टर वैल्यूअर। तो चलिए दोस्तों, जो सबसे पहली स्टेज होती है उसके बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। देखिए, जो सबसे पहली स्टेज है, आपको रजिस्ट्रेशन करना है रजिस्टर वैल्यूअर ऑर्गेनाइजेशन में, जिसको हम लोग शॉर्टकट में बोलते हैं RVO। तो ये एक्चुअल ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, इसका काम क्या होता है, अब ये देखते हैं। देखिए, एक्चुअल में आपको मैं सिंपल वे में बताऊँ तो ये एक तरह का कोर्स होता है जो कि आपको करना होता है, और ये डिपेंड करता है टाइप ऑफ कोर्स के में। देखिए, इसमें 3 टाइप से कोर्सेज होते हैं। जो सबसे पहला रहेगा लैंड एंड बिल्डिंग, जो दूसरा है फाइनेंशियल सेक्टर पर आता है, और जो तीसरा है माइनिंग सेक्टर पर आता है, जिसका इंफॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब बात करते हैं सेकेंड स्टेज के बारे में। तो देखिए दोस्तों, जो सेकेंड स्टेज होता है वहाँ पर आपको IBBI का एनरोलमेंट एंड एग्जामिनेशन फॉर्म को फिलअप करना होता है। देखिए, यहाँ पर आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होता है IBBI के लिए। तो जब ये रजिस्ट्रेशन या एनरोलमेंट हो जाएगा, तब उसके बाद आपको एक नंबर इशू होगा जो होता है आपका एनरोलमेंट नंबर। देखिए, यहाँ पर आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होता है IBBI के लिए। तो जब ये रजिस्ट्रेशन या एनरोलमेंट हो जाएगा तो उसके बाद एक आपको नंबर इशू किया जाता है, वो होता है आपका एनरोलमेंट नंबर। तो एग्जाम सेंटर आपको कौन सा चूज करना है, आपको किस क्लास से एग्जाम देना है, ये सब चीज आपको ऑनलाइन डिसाइड करनी होती है। तो ये रही दोस्तों आपकी सेकंड स्टेज। अब हम बात करते हैं लास्ट स्टेज के बारे में, IBBI रजिस्ट्रेशन। तो ये क्यों किया जाता है और इस चीज का क्या काम है। देखिए दोस्तों, जो लास्ट स्टेज होती है वहां पर डिसाइड किया जाता है कि आपको ये सब 2 स्टेजेस करने के बाद आपको वैल्यूअर घोषित किया जाए कि नहीं किया जाए, आपको रजिस्टर वैल्यूअर का सर्टिफिकेट दिया जाए या ना दिया जाए। तो ये डिसाइड होता है आपके लास्ट स्टेज में। आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं करना होता है। जो भी डिटेल्स, जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको दूसरे स्टेज से मिले हैं वो आपको यहाँ पर अपलोड करने होते हैं ऑनलाइन वेबसाइट पर, IBBI ऑफिशियल वेबसाइट पर, जहां से फाइनली डिसाइड होता है जो भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन होगी, जो भी आपका RVO होगा। वहां पर आपको जो फॉर्म A होता है, जो फॉर्म A आपको लास्ट स्टेज में प्रोवाइड होता है, मींस कि IBBI रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको लास्ट में प्रोवाइड होता है, वो होता है आपका फॉर्म A। तो वो फॉर्म A आपको सबमिट करना होता है आपके RVO में। RVO मींस रजिस्टर वैल्यूअर ऑर्गेनाइजेशन। तो उसके बाद आपको फाइनली मिलता है आपका रजिस्टर वैल्यूअर का सर्टिफिकेट। तो इसका मतलब यही हुआ कि अगर आपको पूरी प्रोसीजर कंप्लीट करनी है फर्स्ट एंड सेकंड स्टेज के बाद, आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा IBBI के पोर्टल पर। तो इसी तरह से दोस्तों, आपको जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है आपको इस वीडियो में आपको नहीं बता सका, वो सब चीजें आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अगर आपके कोई फ्रेंड रजिस्टर वैल्यूअर बनना चाहते हैं तो आप अपने फ्रेंड के साथ ये वीडियो को शेयर कीजिए। तो दोस्तों, तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। तो दोस्तों, अगर आपको सिविल इंजीनियर से रिलेटेड आपको कोर्सेज करने हैं, जैसे कि एक कॉर्पोरेट सेक्टर डिमांड करती है कि एक सिविल इंजीनियर में ये सब स्किल्स होने चाहिए, जैसे कि उसको एस्टिमेशन आना चाहिए, BBS आना चाहिए, क्वांटिटी सर्वे एंड रेट एनालिसिस आना चाहिए, तो ये सब स्किल्स अगर आपको अपने में अपग्रेड करना है तो हमारे वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं www.civilguruji.com। तो दोस्तों, इसी जोश और जुनून के साथ बने रहिएगा सिविल गुरुजी के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय सिविल गुरुजी। थैंक यू दोस्तों।